हाय, आप सबको नमस्कार। गुड इवनिंग ऑन दिस डे आफ्टर मेनी अदर वर्कशॉप्स। टुडे वी आर टेकिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो आप सबको नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी। स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक ऐसा एलिमेंट जो शायद ही कोई इंसान होगा पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर कोई इंसान जिसकी लाइफ में स्ट्रेस का कोई रोल ना हो या जो स्ट्रेस से परेशान ना हो या जिसको स्ट्रेस ने कुछ ना कुछ दुख ना दिए हों, कुछ ना कुछ तकलीफें ना दी हों, ऐसा कोई नहीं है। क्यों है ऐसा कि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग, हम सब लोग नॉलेजेबल लोग, हम सब लोग एक्सपीरियंस लोग, हम सब लोग काफ़ी बुद्धिमान लोग स्ट्रेस की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम में से कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे स्ट्रेस से कोई रोल नहीं है, मेरा स्ट्रेस का मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं है, मैं स्ट्रेस से परे हूँ। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, काउंसलर हो, चाहे वो आप हों, चाहे आपकी हस्बैंड, चाहे आपकी वाइफ, चाहे आपके बच्चे, चाहे आपके पेरेंट्स हों, सबकी लाइफ में स्ट्रेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से दुख लाता है, बर्बादी लाता है। लाता है हम ऐसे कह रहे हैं जैसे कि स्ट्रेस कोई जीता जागता कोई इंसान है जो हमारे घर में कुछ फेंक जाता है और हमारी मर्जी के बिना हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर जाता है। ऐसा नहीं है, हम उसे करने देते हैं। क्या हमारे घर में कोई भी आलतू फालतू आदमी, कोई भी चलता फिरता आदमी, कोई सड़क से चलता आदमी क्या हमारे घर में आकर कुछ भी डालकर चला जाएगा और हम उसे डालने देंगे और हम वहीं पर चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? वो हमारे घर की पीस को, हमारे घर की सफाई को, हमारे घर के एटमॉस्फेयर को ख़राब करके चला जाए, क्या हम करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो फिर हमारी लाइफ में कैसे स्ट्रेस आ जाती है? हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं आपको पता नहीं है, आजकल के टाइम में स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं होती थी। हम में से कुछ लोग इस गलतफहमी में रहना चाहते हैं कि समय बदल गया है, पहले इतनी स्ट्रेस नहीं होती थी, अब स्ट्रेस बढ़ गई है। हमारे ग्रैंडफादर के टाइम में, हमारे फादर मदर के टाइम में स्ट्रेस इतनी नहीं होती थी मगर अब बढ़ गई है, ये भी हमारा भ्रम है। स्ट्रेस हमेशा हमेशा से थी, सिर्फ उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन वो हमेशा से थी, कभी ऐसा नहीं था कि स्ट्रेस नहीं थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मात्रा बढ़ती जा रही है। और क्यों बढ़ती जा रही है उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे भैया। आप में से जिन लोगों को ये गलतफहमी अगर है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी पढ़ाई लिखाई की बैकग्राउंड में, मेरी इंटेलिजेंस की बैकग्राउंड में मुझे स्ट्रेस नहीं होगी, उनको अपने आप को रिव्यू करने की ज़रूरत है और अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि मेरी लैंग्वेज में, मैं रोज़मर्रा में जितनी बातें करता हूँ उसमें कितनी बार मैं अपने आप को बट यूज करता हूँ, बट कितनी बार मैं इफ़ वर्ड यूज करता हूँ, कितनी बार मैं वर्ड हेल यूज करता हूँ, कितनी बार मैं वर्ड यूज करता हूँ ओ माय गॉड, बट इफ हेल ओ माय गॉड, ये वर्ड कॉमन नहीं है, ये वर्ड सबके मुंह से निकलते नहीं हैं आजकल। क्या ये वर्ड हमारी भाषा शैली का या हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा नहीं हो गए हैं? क्यों, क्या मतलब इसका स्ट्रेस से? क्योंकि जब जब हम ये वर्ड यूज करते हैं बट, वो बट नहीं है, वो कट है। जो हो रहा है हम उसको होने नहीं दे रहे हैं, हम उसको कट कर रहे हैं। आप मुझे पसंद करते हैं बट, आप ये मिठाई लेकर आए हैं बट, बाहर बारिश हो रही है बट, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है बट, हम हर चीज़ को कट करते हैं, कट करते हैं, कट करते हैं। और जब जो हम कट कर रहे हैं तो जो हो रहा है हम उसे होने नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमें कोई सामने आकर बोल भी रहा है आई लव यू, तो हम कह रहे हैं ओके बट
आई डोंट लव यू। हम उस हर होने वाली चीज़ को, अगर बाहर बहुत अच्छा मौसम है तो हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बट बाहर बारिश की वजह से कीचड़ हो जाएगी, तो हम हर चीज़ को उसके टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और अपने लिए हम स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को बजाय होने देने के उसको रजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए बट इंडीड इज अ कट। सेम वे इफ, अगर हम हर चीज़ के पीछे इफ लगा देंगे तो हम स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं अपने लिए। सिमिलरली हेल, क्यों क्यों हमें हेल नज़र आता है? हम में से किसी ने अभी तक हेल जाके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं हमें कि हेल क्या है और हेविन क्या है। हमारा अंदाज़ा है कि शायद हेल ये होगा, लेकिन हम यहाँ पर रोज़ हेल देखते हैं, हम रोज़ हेल की बात करते हैं, रोज़ 25वें बार हम हेल बोलना चाहते हैं। कुछ भी काम हमारी मर्ज़ी का नहीं हुआ, हेल बोल दिया। कोई इंसान हमारी मर्ज़ी का काम नहीं कर रहा है, हमने बोला गो टू हेल। हम कितनी बार गॉड को एक नेगेटिव में याद करते हैं, ओ माई गॉड, जैसे कि हम गॉड को कर्ज कर रहे हैं कि अरे गॉड तुम होते हुए ये काम हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब हमारी स्ट्रेस के अलग अलग अंदाज हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको गले में खांसी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, और वो कहते हैं ये तो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन घर में 10 लोग हैं, 10 को तो नहीं हुआ, आपको क्यों हुआ? क्योंकि आपकी स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई है, आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ी है और आपको स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, औरों को नहीं हुआ। आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, बिल्डिंग में 70 लोग हैं, बिल्डिंग में 80 लोग हैं, सबको तो नहीं हुआ वायरल, किसी को हुआ। क्यों हुआ किसी को? क्योंकि उसकी ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा था या उसने स्ट्रेस मैनेज नहीं किया था। तो हमारे अंदर स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है, चाहे वो गले में खांसी हो, चाहे वो हमारा बॉडी के पेन हो, चाहे वो हमारा डायबिटीज हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ें हों, चाहे हमारे शरीर की और बहुत सारी व्याधियाँ हों, हमारा सिर का दर्द हो, बहुत सारी स्ट्रेस जिसको हम लंबे समय तक बिना मैनेज किए हुए अपनी बॉडी में अंदर इकट्ठे करते चले जाते हैं, इकट्ठे करते चले जाते हैं, वो क्यूमुलेटिवली वही स्ट्रेस हमारे किसी न किसी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, और वही क्यूमुलेटिवली किसी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके एक बड़ा डिसीज बन जाती है। कई बार हम लोग उसको सिर्फ बाहर के मैनिफेस्टेशन पर बॉडी का डिसीज मानकर पेरिफेरली एक्सटर्नली उसको डिसीज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। कुछ हद तक हमें आराम भी मिल जाता है, हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास, पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ हमें दवाई लेते हैं तो हमें कुछ दिनों के लिए आराम भी मिल जाता है। लेकिन आपने अक्सर देखा है कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके पास फाइल्स होती हैं, एक डॉक्टर की, दो डॉक्टर की, 10 डॉक्टर की, क्यों होती? उनके पास दवाइयों के बॉक्सेज होते हैं कि हमने इतनी दवाइयाँ ली हैं। कितने सारे लोगों से आप सुनते हैं कि भाई हम 10 साल से इलाज करा रहे हैं, कितने सारे लोगों से आप सुनते हैं कि हम तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं 4 साल से करते हैं, ऐसा सब कुछ क्यों है? अगर ट्रीटमेंट उन चीज़ों का इफेक्टिव है तो हमको इतने सालों तक क्यों ज़रूरत है? इसका मतलब है कि उस तकलीफ का जो कारण है वो कारण ऑन है, चालू है, हम उसके मैनिफेस्टेशन को पेरिफेरली, मार्जिनली, हम एक्सटर्नली उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहीं आग लगी हुई है, बाहर धुआं निकल रहा है, हमने धुएं को बाहर निकलने से रोकने के लिए कि लोगों को पता ना चले हमने फैन लगा दिया ताकि धुआं सब जगह ना फैले। हम खुश हो गए कि धुआं नज़र नहीं आ रहा है मगर आग तो लगी हुई है। तो ये आग क्या है? ये आग है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसे भी हैं, चाहे वो बारिश है, चाहे वो लॉकडाउन है, चाहे दुनिया में लोग हैं, चाहे हमारी ज़िंदगी में होने वाली सैकड़ों घटनाएं हैं, चाहे सोशल अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे ज़िंदगी के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होती रही भी हैं और होती रहेंगी भी। लेकिन जब हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्या मतलब है एक्सेप्ट नहीं करते? हम उसे रिजेक्ट करते हैं या हम उसे रजिस्ट करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को रजिस्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो हम फ्रिक्शन पैदा करेंगे। आप सिंपल से समझ लीजिए, ये मेरा हाथ है,
अच्छा खासा ठीक है, लेकिन मेरा ये हाथ चाहे कि मैं इसको पुश करूं। अगर मेरा एक हाथ को पुश करेगा और ये भी क्यों चुप बैठेगा, ये भी बोलेगा मैं भी पुश करूंगा, तो मैं एक स्ट्रेस पैदा कर रहा हूं अपने लिए। और अब मैं इसको अगर 5 मिनट तक करता रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा, और आप भी मेरे बारे में सोचेंगे भाई क्या गड़बड़ है, आप अच्छे खासे ठीक इंसान लग रहे हो, आप क्यों ये अपने लिए क्यों प्रेशर, काउंटर प्रेशर, क्यों फ्रिक्शन, क्यों आप एक हाथ को दूसरे हाथ से लड़ा रहे हो। मगर हकीकत ये है कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी हम सब की है जो सुन रहे हैं। हम सब लोग अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे काउंटर व्यूज, ये करूँ कि ये करूँ, इसकी सुनूँ कि उसकी सुनूँ, होम्योपैथी करूँ कि एलोपैथी करूँ, ये बात मानूँ ये वो बात मानूँ, हमारे अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे व्यूज चल रहे हैं, जिनकी वजह से हम खुद अपनी स्ट्रेस पैदा करते हैं। एक बात जो आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, हम सब लोग ये मानते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि बाहर की दुनिया में स्ट्रेस है, बाहर की दुनिया में तो धूप भी है, बाहर की दुनिया में तो गर्मी भी है, बाहर की दुनिया में तो आंधी भी आती है, बाहर की दुनिया में तो बारिश भी होती है, और कुछ जगहों पर बाहर की दुनिया में ओले भी पड़ते हैं, कुछ जगहों पर बाहर की दुनिया में भयंकर ठंड पड़ती है। तो सब लोग बाहर जाके धूप में खड़े हो जाते हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर में गल्फ में जाके धूप में खड़े होकर अपने आप को सनस्ट्रोक कर लेते हैं। आंधी आती है तो क्या पूरे धूल में मर जाते हैं, धूल में वो हो जाते हैं, पूरे घर में धूल आने देते हैं। अगर बाहर -10 डिग्री टेम्परेचर तो बाहर जाके सर्दी में मर जाते हैं। बाहर कुछ भी है, हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं? तभी तो हमारी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट हुआ है कि हम पोलैंड जैसे कंट्री या नॉर्वे जैसे कंट्री या जहाँ जहाँ भयंकर सर्द, कनाडा जैसे कंट्री या कश्मीर जैसे एरिया जहाँ -10 -20 तक जाते हैं, कुछ जगह पर -20 30 40 तक जाता है, हम उन जगहों पर लोग रहना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, ज़िंदगी चलती है कि नहीं चलती है? क्योंकि हमने उस सारे वातावरण को बाहर रखकर अपने अंदर की लाइफ को, अपने अंदर की लाइफ को कंडीशन कर लिया जो हमारे जीने के लिए सहायक है। ये बात तो आपको समझ में आती है, कंडीशन कर लिया ताकि बाहर की आंधी अंदर ना आए, बाहर की बारिश अंदर ना आए, बाहर की धूप अंदर ना आए, गर्मी अंदर ना आए, सब डिग्री टेम्परेचर 0 अंदर ना आए, बाहर के ओले अंदर ना आए और हम यहाँ आसानी से काम कर सकें। इस समय भी हम और आप जब बाहर जब बात कर रहे हैं अंदर, तो शायद बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो क्या वो बारिश हमको आपसे जुड़ने से रोक रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, रोका हुआ है। ठीक वैसे ही बाहर की दुनिया में कितनी भी स्ट्रेस हो, हम चाहेंगे तो उसको रोक सकेंगे, हम चाहेंगे तो उसको रोक सकेंगे, और हम नहीं चाहेंगे तो उसको अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने देंगे। अब 100 में से 99 लोग को एक तरफ कर दीजिए और एक इंसान को एक तरफ कर दीजिए जो सिर्फ चाहता ही नहीं है, वो जो चाहता है उसे प्रैक्टिस करता है रोज़ाना, और उसको प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, और उसकी लाइफ में बाहर की स्ट्रेस का, बाहर की दुनिया के जितने भी तनाव हैं उसका उसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं होने देता। आपकी चॉइस से आप 99 में जुड़ना चाहेंगे कि 1 में जुड़ना चाहेंगे। 99 मेजोरिटी है, 99 कोई खुजली है, एक क्यूरियोसिटी है, एक क्वेस्ट है जानने की। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया, जब से हमारे पास इंटरनेट उपलब्ध हो गया, सबके पास आ गया, हाथ में आ गया, मोबाइल पर आ गया, तो सबको बहुत कुछ जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, जिनपिंग क्या कर रहा है, गलवान वैली में क्या हुआ है, फलाने जगह क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा। हमारा जो बहुत ज़्यादा जानना है, जिसको हम जानना कह रहे हैं, जानना शायद हम गलत फहमी में हैं, उसको नॉलेज समझते हैं, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ओवरलोड है हमारे दिमाग में, इंफॉर्मेशन की ओवरलोड है हमारे दिमाग, और हमें इसका आइडिया नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन की ओवरलोड हमें स्ट्रेस पैदा कर रही है। क्योंकि उसमें की 90% जानकारी, जिसे हम जानकारी कहते हैं पॉपुलरली, वो जानकारी नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, मगर हम उसको अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं, अपने दिमाग को हैवी होने दे रहे हैं, अपने दिमाग को और मुश्किल होने दे रहे हैं, जो हमारे रेगुलर काम है उनमें हम नहीं कर पा रहे हैं, बाधा आने दे रहे हैं। तो एक कारण इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड
बाहर की दुनिया में, चाहे यहाँ, चाहे ब्राज़ील में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे किसी भी कंट्री में, चाहे चाइना में, चाहे हिंदुस्तान की और 10 जगह पर, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता रहा है, बहुत कुछ करेगा। हमको सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट शुरू में, अगर आप स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं तो कोशिश करिए, जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि होना। आप कुछ भी चीज़ जानते हैं किस लिए? ताकि आप हैप्पी हो सकें। लेकिन अगर आपने ज़्यादा जान लिया तो आप हैप्पी नहीं होंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे, ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे। आप कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में बनाते हैं, कुछ भी चीज़ पाते हैं, कुछ भी आप पढ़ाई करते हैं, कुछ भी जॉब पाते हैं, कुछ भी जॉब करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि आप हैप्पी हो सकें। लेकिन अगर आपका जॉब 20 घंटे ले जाए आपकी ज़िंदगी की, तो आप क्या हैप्पी होंगे? क्या आपकी जॉब की डिमांडिंग इतनी हो कि आपके पास घर में बच्चों से बात करने का समय नहीं है, तो क्या आप हैप्पी होंगे? कि आपके पास 5 लाख रुपए की, अगर मान लीजिए कि महीने की आपकी 5 लाख रुपए की सैलरी हो, लेकिन आपके पास 30 के 30 दिन में से 10 घंटे भी ऐसे नहीं हो जाओ फैमिली के साथ ले जाकर उस 5 लाख रुपए को खर्च कर सके, तो क्या आप हैप्पी होंगे? नहीं। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस से बाहर निकल जाएगी तो वो आपको हैप्पी नहीं करेगी, वो आपकी लाइफ में नए तरह की अनएक्नॉलेज स्ट्रेस पैदा करेगी। ये बात सिंपल है समझने में। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो भी टॉपिक पर बात करेंगे उसको हम हाई फंडामेंटल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हाईली टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे जो समझी जा सके, समझाई जा सके, और काफ़ी हद तक समझने के बाद उसी दिन से उसको हम प्रैक्टिस में ला सकें। हमारा प्रयास, हम काफ़ी सालों से वर्कशॉप कर रहे हैं, काफ़ी सालों से इस तरह के सेशन करते आ रहे हैं, पिछले 40 साल की प्रैक्टिस में एज ए साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर हमारा शौक रहा है, हमारी ये हॉबी भी है, शौक भी है, हमारी इच्छा भी है कि जो कुछ हम पढ़े जाने उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादातर लोगों से बांटें, और उसको हम उस लैंग्वेज में ना बांटें जो उनके लिए समझना मुश्किल हो। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप उसको डोसे का ऑर्डर देते हैं, वो डोसा आपके पेट में रख देता है। अगर वो आपको बता दे कि ये दाल वहाँ से लानी है, चावल उसके इससे लाना है, उसको ऐसे बनाना है, उसको ऐसे पीसना है, उसको ऐसे बनाना है, उसको ये करना है, उसको ये करना है, ये करना है, तब आपको कुक करके पेट में डोसा आएगा, तो आप कहेंगे भाई हम तो रेडी डोसा खाने आए हैं। तो वही एग्जाम्पल यहाँ है कि यहाँ आपको वो सिंपल रेडी टू यूज, रेडी टू अप्लाई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आप आसानी से सुनकर समझकर अप्लाई कर सकते हैं। तो रेडी में, ईजी में क्या हो सकता है? ABCD तो सबको पता है, हम सब ने बहुत कुछ पढ़ाई की है। चलिए हम सब लोग वापस चलते हैं ABCD पर। अगर हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर दें कि ABCD क्या हो सकती है, तो ए, क्योंकि इस तरह आपको आसानी हो जाएगी नोट करने में भी, अभी भी नोट करने में, और आप आधे घंटे के बाद भी याद करके नोट सके कि हाँ डॉक्टर आनंद ने क्या बताया था, ए से क्या बताया था, बी से क्या बताया था, आपको याद आ जाएगा। नहीं याद आएगा तो हम इस टॉक के बाद में आपको, आप मैसेज भेजिएगा, हम आपको लेकर भेज देंगे। ए इज फॉर एक्सेप्टेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाए, तो प्लीज बिगिन एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर। हस्बैंड जैसा है, वाइफ जैसी है, बेटा जैसा है, डॉटर इन लॉ जैसी है, बेटी कैसी है, दामाद जैसा है, लोग कैसे हैं, रिश्तेदार लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिशियन कैसे हैं, लेट अस एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, क्योंकि उनको हमने नहीं बनाया है, वो हमारे लिए नहीं बने हैं, उनको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा गया है कि वो हमें खुश रखें। उनकी लाइफ का मिशन हमारी लाइफ के मिशन के साथ सिंक्रोनाइज होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, हर चीज़ को करना है, हर इंसान को करना है, हर रिश्ते को करना है। ए की बात क्या है? बी, बी से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बैनिश, BANISH। बैनिश का मतलब क्या होता है? मिटा देना। आप जब सड़क पर चलते हैं सड़क पर, और मान लीजिए कि आपके पाँव में कीचड़ लगी है, या मान लीजिए आपके पाँव में कोई इंक लगी है, तो आप आगे चलते हैं कि पीछे वाले स्टेप्स को जाकर मिटाते हैं? आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो भी पीछे छोड़ गया। आपने देखा है कभी किसी इंसान को जो पीछे मुड़कर किन किन स्टेप्स से चलकर आया है
उनको देखने जाए कि वहाँ क्या हुआ था, वहाँ कौन से निशान छूट गए थे। नहीं, जो समझदार इंसान है वो पीछे की सारी बातों को मिटाता जाता है दिमाग में। क्या आप या मैं एक दूसरे से जानना चाहेंगे कि हमने 2 घंटे पहले क्या किया था, कि हमने लंच में क्या खाया था, कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या किया था? डज इट मैटर? क्या हमको फ़र्क पड़ता है कि कल हमने क्या किया था? डज इट मैटर? हम आज एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं। इजन दैट ऑल दैट मैटर्स? तो हम बैनिश द पास, बैनिश द पास एक्सपीरियंसेस, बैनिश द पास एक्सपीरियंसेस इवेंट्स इन ऑल इमोशनल अप्स एंड डाउन। अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है सिंप्लीफाइड वे में, और मैं आपको इसलिए जोर देकर बता रहा हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको काफ़ी लोगों ने समझ रखा है कि बहुत टेक्निकल होगा, डॉक्टर लोग बहुत टेक्निकल बातें बताएंगे, डॉक्टर लोग बहुत हाई साइंटिफिक बातें बताएंगे जो या तो हमारे ऊपर से निकल जाएंगे या हमें उसको समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे। बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हम में से वो लोग जो अपनी पास की बातों को, पास के अनुभव को, पास की यादों को, पास की घटनाओं को जिस हद तक ख़त्म, याद ही नहीं है क्या हुआ था, कल की भी बात याद नहीं, वो लोग उतने ही स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आप ही रह सकते हैं। क्या ज़रूरी है याद करना कि पिछले साल मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया था और क्या नहीं किया था? क्या ज़रूरी है याद करना कि मैं 6 महीने पहले किस रेस्टोरेंट में गया था और किस रेस्टोरेंट में क्या खाना खाया था? क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी याद करना कि परसों के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस क्या थी और क्या नहीं थी? क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि आज मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। तो बैरिश द पास, तो ए वॉज फॉर एक्सेप्टेंस, बी फॉर बैनिश, सी फॉर, सी बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास चॉइसेस हैं दो, या तो हम कंप्लेन करें, क्रिप करें, सी, या हम सेलिब्रेट करें। अब आप खुद अपनी सोच से ढूंढिएगा कि आपके चारों तरफ की दुनिया में जितने लोग हैं वो कंप्लेन और क्रिबिंग ज़्यादा करते हैं, बारिश हो रही है, वो मेरी बात नहीं सुनती, बेटा मेरी बात नहीं सुनता, महंगाई हो गई है, लॉकडाउन हो गया है, मोदी जी को ही नहीं करना चाहिए, ट्रंप को वो नहीं करना चाहिए, चाइना को ही नहीं करना चाहिए, वो कंप्लेन करते हैं, क्रिब करते हैं, इतनी बारिश क्यों हो रही है, ये चीज़ें महंगी क्यों हो गई हैं, रेस्टोरेंट बंद क्यों हो गए हैं, मॉल कब खुलेंगे। वो लोग ज़िंदगी की 10 चीज़ों के बारे में क्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारे पास समय है, आज हम और आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, आज हम एक दूसरे के साथ बिना किसी जल्दी के 4 पल बैठकर चाय पी सकते हैं, आज हम आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आज हम आराम से लेजरली खाना खा सकते हैं, आज हम आराम से बुक पढ़ सकते हैं, आज हम आराम से चीज़ों को सोच सकते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हर दिन हमारा आज ही होता है, और इसका संबंध किसी लॉकडाउन और किसी वायरस से नहीं है। हर दिन वो लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो लोग सक्सेसफुली स्ट्रेस मैनेज करते हैं, और वो लोग जो क्रिब करते हैं वो लोग हमेशा स्ट्रेस में डूबते चले जाते हैं। तो पहला था ए एक्सेप्टेंस, दूसरा था बी बैनिश, तीसरा था सी सेलिब्रेट और क्रिब, चौथा था डिटर्मिनेशन डी पक्का इरादा हो कि मुझे स्ट्रेस के लिए कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा कि डॉक्टर साहब मुझे स्ट्रेस है, मुझे दवाई लिख दीजिए, और मैंने 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते दवाई ले ली और मैं खुश हो गया कि इन डॉक्टर साहब की दवाई अच्छी है, अच्छी होगी दवाई, दवाइयों की कंपनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाती हैं और बनाते बनाते दवाइयों की कंपनियाँ करोड़पति अरबपति हो जाती हैं, हम भी दवाई की कंपनी शुरू कर सकते हैं और हम भी करोड़पति अरबपति हो सकते हैं, मगर हम यहाँ ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपको इसलिए बातें शेयर कर रहे हैं कि जो लंबे समय के लिए फ़ायदे वाली बात है, जो गहराई से आपके अंदर परिवर्तन लाने की जो संभावना है, हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे कि आपके मन में ये क्लैरिटी हो, ये डिटर्मिनेशन हो कि मुझे अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है रेगुलरली। तो मैं ए जो कर रहा हूँ वो ए आज सुनकर रुक नहीं जाऊँगा, डिटर्मिनेशन है मेरा, मैं हर जगह हर सिचुएशन में हर घंटे याद रखूंगा ए को कि एज फॉर एक्सेप्टेंस, हर परिस्थिति भी याद रखूंगा। उस टाइम मैं रोड पर जाकर टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ, उस टाइम टैक्सी मुझे मैंने बुलाई है 5 मिनट की बजाय 15 मिनट लग गए हैं, और मैं फ्यूम कर रहा हूँ, फ्रेट कर रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, बुनबुना रहा हूँ गुस्से में, क्यों?
लेट मी एक्सेप्ट। पूछता है कि मेरा किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो, अगले दिन वो मुझे मिल जाए और मैं कल की बात को उसके सामने लेकर चल रहा हूँ बैरिश के पास। क्या हुआ था कल? मुझे याद नहीं, कल मेरी तुम्हारा कुछ अर्जेंट हुआ था। ओ बैरिश के पास, क्रिविंग कंप्लेनिंग वर्सेस सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, इन सब चीज़ों का डीपर डिटर्मिनेशन कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे अंदर एक प्रोग्रेसिव एनर्जी आनी है कि मुझे आगे बढ़ना है। ई क्या है? ए आपने याद है, ए फॉर एक्सेप्टेंस, बी फॉर बैनिश, सी फॉर सेलिब्रेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन। ई है एम्प्टी आउट योरसेल्फ। हम सब लोग बहुत 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 भरे हुए हैं, बहुत सारी बातों से भरे हुए हैं जो हमारी ज़िंदगी में हुई हैं, होती रहती हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सब कुछ भर लेते हैं। हम में से वो लोग जिनके पास 5-10-15 किलो वजन ज़्यादा है ना, वो उस खाने का है जो हमने 10-15-20 साल पहले खाया था, स्वाद से खाया था, खुशी से खाया था, टेस्ट से खाया था, मगर उसको खर्च नहीं किया था। तो वो अनप्रोसेस अनएलिमिनेटेड खाना हमारे अंदर फैट बन गया, सेलुलाइट बन गया, कई बार हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन जाता है। और ऐसे ही हमने अब तक की ज़िंदगी में जो कुछ जिया है ना, वो हमने भर लिया है बचपन से, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। आप लोग कभी आते हैं, डॉक्टर लोग कभी बताते हैं तो हमको बात समझ में आती है कि हाँ बात सही है कि हम भरे हुए क्यों हैं, हम भारी क्यों हैं, क्योंकि हमको अब तक इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव पता ही नहीं था। तो हमें खाली करना है, एम्प्टी आउट करना है, खाली करना है। कैसे खाली करेंगे? बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों ने पहले की वर्कशॉप में भी बात की है, पहले की वेबिनार में भी डिस्कशन किया है, एक और सेशन हम लोग लेंगे हाउ टू एम्प्टी आउट योरसेल्फ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। हमारा एक वर्कशॉप का टाइटल ही है एम्प्टी आउट योरसेल्फ। तो ए बी सी डी ई, ई फॉर एम्प्टी आउट, एफ, एफ क्या है? बहुत सिंपल सा वर्ड है, फ्रेंड्स। जिसकी जिंदगी में जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उसकी ज़िंदगी में उतनी कम स्ट्रेस है, जिसकी ज़िंदगी में जितने कम फ्रेंड्स हैं उसकी ज़िंदगी में उतनी स्ट्रेस ज़्यादा है। आपको क्या चाहिए? अपनी चॉइस डिसाइड कर लीजिए। स्ट्रेस ज़्यादा चाहिए, फ्रेंड्स कम रखिए। फ्रेंड्स ज़्यादा चाहिए, स्ट्रेस आपको छोड़ के चली जाएगी। चूज बिटवीन आदर फ्रेंड और स्ट्रेस, वेरी सिंपल। इस एफ को याद रखिएगा। और अगर अब तक किसी वजह से फ्रेंड आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत सारे फ्रेंड बना सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड हैं जो पीछे छूट गए हैं, जिनको आपने महीनों से सालों से याद नहीं किया है, तो उसने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं कॉल क्यों करूँ, मैं क्यों अपनी नाक नीचे करूँ, वो सो एंड सो फॉर। फ्रेंडशिप दुनिया का सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा तोहफा है। रिमेंबर दिस वर्ड। जी क्या है? जी के बाद हम रुक जाएंगे, पूरी अल्फाबेट पर नहीं जा रहे, वरना एक घंटा और चाहिएगा। हमें प्रोग्राम हमारे हिसाब से आधे घंटे में ख़त्म करना है, तो हमारे पास 1.5 मिनट और है। जी क्या है? अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत दिया है भगवान ने हमें, बहुत कुछ दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया, जन्म दिया धरती पर, आँखें दी, कान दिया, नाक दी, सूंघने को टेस्ट दिया, टच की फैकल्टी दी, इन पांचों सेंसेस को माइंड में प्रोसेस करने वाला अब तक की नॉन सिविलाइजेशन में सबसे बेस्ट डेवलप माइंड दिया, अब तक के सारे हजारों लाखों जानवरों के मुकाबले में सबसे डेवलप टेक्नोलॉजिकली एडवांस बॉडी मिली हमको, कि हम जिंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह जी सकें, तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दैट पावर, हम उस पावर का जो भी नाम देना चाहें, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने बिलीव के हिसाब से, बट ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हम जो हैं हम उस पावर की वजह से हैं, हमारे पास जो है उस पावर की वजह से है, हमने जो पाया है, हमने जो बनाया है, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उस बड़ी शक्ति की वजह से, जिसके प्रति एक अनुग्रह का, एक ग्रेटिट्यूड का भाव। ए फॉर एक्सेप्टेंस, बी फॉर बैनिश, सी फॉर सेलिब्रेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन, एफ फॉर फ्रेंड, जी फॉर ग्रेटिट्यूड। इस अल्फाबेट को हम लोग जारी रख सकते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को,
लेकिन एक सेशन में आप कितना सुन पाएंगे, सोच पाएंगे, ये भी ध्यान में रखना है। तो हम अपनी बात को यहाँ रोक रहे हैं। हमने सोचा था समय परमिट करेगा तो हम एक दो प्रैक्टिसेस भी करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन प्रैक्टिसेस हम लोग अगली बार एक सेशन में करेंगे जो हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। और उसको आपकी अगर कुछ सवाल हो तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो आपने अभी सुना है और जो समझा है उसको आप बंद करके एक 10 मिनट तक सोचिएगा, 10 मिनट तक उसके ऊपर चिंतन करिएगा, 10 मिनट तक उसके ऊपर मनन करिएगा, 10 मिनट तक उसके अंदर सोचिएगा, ताकि उस बात को गहराई से आप समझ सकें, गहराई से आप उस बात के ऊपर अपने मन में ले जाके प्रोसेस कर सकें। अगर आप ये करेंगे तो आगे बहुत कुछ आसान हो जाएगा, नहीं तो आप सुनकर भूल जाएंगे। अगर आप उसके ऊपर अगले 5-10 मिनट बैठ कर ये बात नहीं करेंगे तो शायद वो बात थोड़ी देर के बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि 5 मिनट 10 मिनट आँख बंद करके बैठिए, सोचिए, चिंतन करिए। हम इस टॉपिक पर कम से कम 4 घंटे की वर्कशॉप भी करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, लेकिन ये हम सिर्फ 1/2 घंटे की करना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी कैपेसिटी एक वक्त में कितनी बात समझने की है। नेक्स्ट टाइम वी वुड मीट विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू एक्सपेंडेड डिस्कशन ऑन सम अदर टॉपिक। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट लाइफ, हैव ए रिलैक्स लाइफ, हैव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। नमस्कार।